तुम याद नहीं करते और हम बुला नहीं सकते, तुम हंसा नहीं सकते हम रुला नहीं सकते, इतनी खूबसूरत मोहब्बत है हमारी कि तुम जान नहीं सकते और हम बता नहीं सकते। वाह। When John Elias said, ये गम क्या दिल की आदत है, नहीं तो किसी से कोई शिकायत है, नहीं तो, and I was like, नहीं तो हाँ है भी, but नहीं तो। मैं एक शेर आपके लिए डेडिकेट करूंगा, तुझे ये हक है, शजर पे है जो समर ले जा। तुझे ये हक है, इमरान भाई, तुझे ये हक है, शजर पे है जो समर ले जा, ले जा, मगर ना इतना कि शाखें भी तोड़ कर ले जा। तेरे पड़ोस में कुछ गम नसीब बैठे हैं, खुशी समेट कर सारी ना अपने घर ले जा। घर चला है कहीं हरफे हक मनाने को, तो इतना करके हथेली पे रख कर सर ले जा। कि अच्छा हुआ जो कह दिया कि दुख नया मिले, आया भी इसलिए था कोई मशवरा मिले। अच्छा हुआ कि कह दिया कि दुख नया मिले, आया भी इसलिए था कोई मशवरा मिले। मैं चाहता हूँ आँख के बदले में आँख हो, मैं चाहता हूँ आँख के बदले में आँख हो, तू बेवफा है दोस्त, तुझे बेवफा मिले। कभी वो भोला बनते हैं तो कभी वो मुरीद बनते हैं, कहीं प्यार में रक्से बिस्मिल तो कहीं नमक हराम बनते हैं। जिसकी हर एक अदा पर कुर्बा है ये कराची वाले, वो आजकल लाहौर में रहते हैं और उस शख्स को इमरान अशरफ कहते हैं। मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाजों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। क्लासरूम हो या हश्र कैसे मुमकिन है, क्लासरूम हो या हश्र कैसे मुमकिन है, हमारे होते तेरी गैर हाजिरी लग जाए। मैडम नताशा जी के लिए एक शेर सुनाना चाहता हूँ। जी सुनाए सुनाए। मेरी मुस्कुराहट आपके कदमों की धूल है, मेरी मुस्कुराहट आपके कदमों की धूल है, आपका चेहरा इतना प्यारा जैसे गुलाब का फूल है। कैसे कैसों को हमराज करती है, आए हाय, अपने लोगों को नाराज करती है, आए हाय, कैसे कैसों को हमराज करती है, अपने लोगों को नाराज करती है, तेरे बाद हमने जाना ये घड़ी टिक टिक की आवाज, उसकी दवाओं से ऐसा हुआ होगा, तुम तो कहते थे वो लड़की इलाज करे। तो ऐसे था कि हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन सब कुछ खाएंगे, अब घर से निकले हैं तो इतिहास लिख कर ही जाएंगे। वो बोलती है कि तुम खोया पाया का हिसाब लगाते रहे, जिंदगी मर मर के बिताते रहे, जो बात भुलाई जा सकती थी एक मुस्कान से, उस बात को सीने से लगा के आंसू बहाते रहे। कि उसे हंसना था लेकिन रो रही है, उसे हंसना था लेकिन रो रही है, मेरे दिलबर की किस्मत सो रही है, और फिर इस बात पर झगड़ा हुआ है। कि उसे हंसना था लेकिन रो रही है, मेरे दिलबर की किस्मत सो रही है, कि फिर इस बात पर झगड़ा हुआ है, हमारी बात क्यों कम हो रही है। बड़ी मशक्कत के बाद भी निकाले नहीं जा रहे, आहा, जहन से तेरी याद के जाले, बड़ी मशक्कत के बाद भी निकाले नहीं जा रहे, जहन से तेरी याद के जाले नहीं जा रहे, एक तू है संभाल रही है नए नए आशिक, एक हम है जो खुद से संभाले नहीं, एक हम है जो खुद से संभाले नहीं जा रहे, मैंने ऐसे शख्स पे ठोक दिया मोहब्बत का दावा जिससे अपने दोस्त तक टाले। उससे मिलने का भी सोच रहा होता हूँ और दर पर कोई जंजीर लगा देता है, आए हाय हाय, उससे मिलने का भी सोच रहा होता हूँ और दर पर कोई जंजीर लगा देता है, जब भी सोचूं कि उसे मैंने भुला देना है, फेसबुक पर कोई तस्वीर लगा दे, वाह वाह वाह, अल्लाह की कसम यही अजाब चल रहा है ना। एक दफा का जिक्र है कि मुझे उसकी फिक्र है, वाह, एक दफा का जिक्र है कि मुझे उसकी फिक्र है, नतीजा ये निकला कि वो बेवफा नहीं। सर मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि आपकी इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, आपके लिए हर कोई शेर लिखता भी है और आपको सुनाकर भी देता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी फैंस के लिए कोई एक शेर तो कहें। ना।
अखियां दी ठंडक मानू, अखियां दी ठंडक ते दिल दा चैन, मेरे फैन मेरे फैन। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिसका फिर पे दम निकले। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? सर मेरी आपके लिए दो चार लाइंस हैं, सवाल नहीं है। अरे स्वीट। जब तेरी बात कान पड़ती है, तने बेजा में जान पड़ती है, फासला कुछ नहीं तेरे दर तक, जिंदगी दरमियान पड़ती है। आजकल का प्यार कम दिखावा ज्यादा है। आजकल लोग दिखाना चाहते हैं कि मैं इसके साथ हूँ, ऐसे घूम रहा हूँ, वैसे रह रहा हूँ, मैं तो इधर शॉपिंग पे जा रही हूँ, ऐसी गाड़ी में बैठ रही हूँ। ये प्यार नहीं होता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अच्छा होता था कि पहले प्यार अंधा होता था, फिर उसने इलाज कराया, अब वो सब देखता है, अब सब देखता, गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी पैसा वो सब देखता है। इसी सबब से ही रफ्तार कुछ ज्यादा है, ये रास्ते में जो बैठा है शाहजादा है। मुझे यकीन था रास्ते में छोड़ जाएगा, मगर ये पूछना बनता था क्या इरादा है। शब्बर हुसैन जी, क्या कहना चाहते हो? मैं आपके लिए शेर कहना चाहता हूँ। कहो। तस्वीर हो गया हूँ तस्वीर देखकर, रूहें उठी हैं यार की तस्वीर देखकर। मुट्ठियों में लिए फिरते हैं नमक आज के लोग, क्या कहना। मुट्ठियों में लिए फिरते हैं नमक आज के लोग, अपने जख्मों को किसी हाल दिखाया ना करो। देने में कसर नहीं छोड़ी, जब देना था तो अपना तिल तिल दिया था। कि देने में कसर नहीं छोड़ी, जब देना था तो अपना तिल तिल दिया था, मैं भी इससे ज्यादा क्या करता, मैंने निकाल कर दिल दिया था। कि लोग कहेंगे तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो, पर तुम लोगों से यही कहना कि हम जैसे हैं हम वैसे ही अच्छे हैं। एक तरफा मोहब्बत अमन भाई ने पूछा, आजा के अभी जब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के अभी जब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है, खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक, इस शहर में सब कुछ है बस एक तेरी कमी। मतलब उसके पिताजी के मतलब जूते पे सर रख के रोया था मैं कि प्लीज मेरी इससे शादी करवा दो। मतलब मेरे लिए सब कुछ थी वो लड़की। उसके बाद उसके पिताजी ने मेरे साथ मतलब इतना गंदा ट्रैप करा, मतलब उन्होंने मेरे को ऐसे करके उन्होंने अपनी वो उठाई शर्ट और कह रहे मेरी बेटी में ना मेरी झोली में डाल दे। उसमें वहां से टूट गया यार, अगर वो लड़ाई करके देता ना तो मैं पक्का जीत जाता, पर उन्होंने वो मांगा ना, वहां से मैं टूट गया। मतलब मैंने कहा यार एक बाप की बेटी नहीं छीन सकता, इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि तू उसको बोल दियो मेरे घर वाले नहीं मान रहे। फिर मैंने उस लड़की को झूठ बोला कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, तू कर ले यार शादी। फिर ऐसे करके उसकी शादी हो गई। दगा देते हुए एक पल खुदा से डर गए होते, वफा अच्छा कर्म है काश तुम भी कर गए होते। कि दगा देते हुए एक पल खुदा से डर गए होते, वफा अच्छा कर्म है काश तुम भी कर गए होते। और वो तो मैं हूँ मेरे यारा जो हंसता है जमाने में, मुझे बख्शी हुई तकलीफ में तुम मर गए होते। आके पत्थर तो मेरे सहन में दो चार गिरे, जितने इस पेड़ के फल थे पसे दीवार गिरे, और मुझको गिरना है तो मैं अपने ही कदमों पे गिरूं, जिस तरह साया ये दीवार पे दीवार गिरे। और क्या कहूँ दीदा ए तर, ये तो मेरा चेहरा है, संग कट जाते हैं पानी की जहां धार गिरे। जो आर्मी में लोग काम करते हैं तो वो लोग बहुत टाइम तक अपने लव वन से दूर रहते हैं, तो उनकी तस्वीरें देखते हैं वो, तो उनसे उनको याद करते हैं। तो उस पर लिखा था कि तेरी तस्वीर में वो बात कहा जो तुझ में है, वो अदा वो लचक वो चाल कहा जो तुझ में है, तस्वीर तो बस एक जरिया है तुझे याद करने का, पर असल यादें बनाने का जरिया तो बस तुझ में है। फिराक में है लज्जतें इतनी, विसाल उसका नसीब होगा तो क्या बनेगा, जो शख्स दूर रहकर हरारते जहाँ बना हुआ है, वो शख्स मेरे करीब होगा तो क्या बनेगा।